नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी की दूसरी इकाई में जो डॉक्टर प्रकाश जी दीक्षित लिखित धरती का आंगन में के ये जो कविता है, इस कविता का भावार्थ देखेंगे। तो चलो हम आज कविता की जो पहली 6 पंक्तियां है, इन 6 पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। कौन सी पहली 6 पंक्तियां? तो धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से ऐसी सरिता करो प्रवाही खिले खेत सब धान से अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छा में पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में शिल्पकला कुमुदों की माला वक्ष स्थल का हार हो फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी कहते हैं कि इस धरती का जो आंगन है, इस धरती का आंगन कर्म ज्ञान से और विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाले जो लाभ है, विज्ञान से होने वाले लाभ पूरी धरती को मिले। नदी का प्रवाह ऐसा प्रवाहित करो, ऐसा मोड़ दो ताकि बंजर जमीन को भी पानी मिले और अधिक से अधिक मात्रा में उत्पन्न हम कर सके। कवि यहाँ ये भी कहते हैं कि मनुष्य जो जो आशाएं करे, जो अभिलाषाएं करे, जो आशा करे, वह उसकी सभी आशा अथवा अभिलाषाएं पूर्ण हो और मनुष्य सदैव विश्वसनीय बना रहे। शिल्पकला यानी कि हाथ से बनी हुई जो कला है, हाथ से बनी हुई कला का हम सम्मान करें और साथ साथ ये जो भूमि है, ये जो धरती है, यह धरती फूलों और फलों से सुशोभित हो। तो यहाँ तक हम इस कविता का जो भावार्थ है, 6 पंक्तियों का भावार्थ हमने यहाँ देखा है। आगे की जो पंक्तियां हैं, इनका भावार्थ हम बाद में देखेंगे।